हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे। दोस्तों, इस्तकबाल है आप सबका हमारे यूट्यूब तिब्बी चैनल उज़ैर हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम आप हजरात की खिदमत में जो नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं उसका मौजू है अलसी की पिन्नियाँ। दोस्तों, ये नुस्खा कोलेस्ट्रोल को कम करता है और वज़न को घटाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल करता है। तो दोस्तों, आइए आते हैं नुस्खे की तरफ। पहले नुस्खा बताएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इसके फ़वाद पर बात होगी और उसको बनाने का तरीका भी बताएंगे। दोस्तों, आपको लेना है आधा किलो अलसी और आधा किलो आटा, गेहूं का आटा, और एक किलो गुड़, एक पाव देसी घी, 100 ग्राम बादाम की गिरी, 100 ग्राम नारियल गिरी और 100 ग्राम मूंगफली की गिरी और 100 ग्राम किशमिश। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अलसी को भून लें और फिर उनको ग्राइंडर में पीस लें, बारीक कर लें। फिर पतीली को यानी कि देगची को आग पर चढ़ाएं, उसमें घी डालें और आटे को भून लें। फिर अलसी और तमाम मेवाजात डालकर मिक्स कर लें। अब उसको नीचे उतार लें और उस गुड़ में 2 गिलास पानी डालकर किसी बड़े बर्तन में उसकी चाशनी तैयार कर लें। जब चाशनी तैयार हो जाए उसको नीचे उतार लें और उसको छान लें। फिर चाशनी को छान कर मिक्स किए हुए जो वो तमाम अज्जा हैं, जो नुस्खा है वो उसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद उसकी पिन्नियाँ बना लें या लड्डू बना लें। बस आपका नुस्खा तैयार है। एक लड्डू सुबह शाम, यानी सिर्फ सुबह नाश्ते में खाएं। ये पिन्नियाँ बहुत खुश जायका होने के साथ साथ बहुत लजीज और मज़ेदार स्वादिष्ट होने के साथ साथ उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न घटाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर, मूड, नींद और शुगर को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होता है, जिल्द यानी त्वचा और सर के बालों को सेहतमंद बनाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर मज़ीद तिब्बी मालूमात व तहकीकात, जिस्मानी अमराज और उनके इलाज, कुदरती जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, फलों और सब्ज़ों के खास और उनके फ़वाद और बहुत सारे अपने तजर्बात और मुजर्रबात बयान किए जाते हैं। इन सारी मालूमात को हासिल करने के लिए आप ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे।